अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एमएस एक्सेल को यूज करते हुए इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं। अब इसके लिए मेरे पास ये एक्सेल डिटेल का डाटा मौजूद है, जिसमें मेरे पास इस डाटा सेट में रीजन है और कंट्री का एक कॉलम है, आइटम टाइप है जो आइटम्स सेल हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव नेम है जिस रिप्रेजेंटेटिव ने इस आइटम को सेल किया है, सेल चैनल है जिसमें ऑनलाइन सेल हुई है या ऑफलाइन सेल हुई है, उसके बाद ऑर्डर प्रायोरिटी है, ऑर्डर प्रायोरिटी में M for medium order priority, C for critical order priority, H for high level order priority and L for lower order priority. उसके बाद order date है, जिसमें जो है day, month और year है। उसके बाद order ID है, ship date है, unit sold है, जिसमें number of items जो है sale हुई है वो है, unit price है, unit price मतलब के जो एक item की sale price है, unit cost है, इसका मतलब ये है कि उस item पे कॉस्ट कितनी आई है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट का कॉलम है, टोटल प्रॉफिट है जो हमने गेन किया इसके अगेंस्ट, ऑर्डर ईयर है और ऑर्डर मंथ है। हम इस डेटा सेट को यूज करते हुए डिफरेंट पिवट टेबल्स क्रिएट करेंगे और उन पिवट टेबल्स को यूज करते हुए हम इंटरेक्टिव सा प्रॉफिट का डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे इस सेल डिटेल को यूज करते हुए। अब हम अपने इस डेटा सेट को यूज करते हुए अपना फर्स्ट पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए पिवट टेबल पर क्लिक करते हैं, हमारे पास ये पेज शो होगा। इस पेज पे हम इस टेबल रेंज को देखने के बाद न्यू वर्कशीट पे हमने ये पिवट टेबल क्रिएट करना है। न्यू वर्कशीट पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वर्कशीट जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूं प्रॉफिट बाय ईयर। प्रॉफिट बाय ईयर को चेक करने के लिए यहाँ पे मैं टोटल प्रॉफिट है उसको वैल्यूज में प्लेस कर देता हूं और ऑर्डर ईयर को मैं रोज में प्लेस कर देता हूं। हमारे पास यहां रो लेबल्स में ईयर्स आ गए हैं, जिस ईयर में ये जो ऑर्डर है सेल का, जो हमने आइटम सेल की हैं उनका ऑर्डर प्लेस किया गया है। ऑर्डर ईयर हमारे पास रोज में आ गई है और वैल्यूज में हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया है। अब हम इस जो डाटा सेट में हमने पिवट टेबल क्रिएट किया है इसको यूज करते हुए हम लाइन चार्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम इनसाइड पे क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करने के बाद ऑल चार्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो लाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्रीव्यू आ रहा है। ये दो तरह के हमारे पास प्रीव्यू है। लाइन पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये लाइन चार्ट क्रिएट हो गया है। अब इस लाइन चार्ट को हम डिजाइन भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारे पास बटन आ रहा है इनको मैं रिमूव कर दूं। इस पे राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट इस पे क्लिक करूंगा तो ये बटन जो है वो हाइड हो जाएंगे। अब उसके बाद इसको मैं एडिट कर सकता हूं, इस हेडिंग को एडिट करता हूं जी टोटल प्रॉफिट बाय ईयर। इसके बाद इस लाइन को अगर मैं एडिट करके इसका स्टाइल चेंज करूं तो मेरे पास ये डिफरेंट इसके स्टाइल्स हैं, ये इसका स्टाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। कलर इसका चेंज करना चाहूं तो इसका कलर मैं, ये आप देख सकते हैं जो डिजायर कलर आ रहा है मैं जो चेंज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज हो रहा है। अब मैंने ये इसका ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसमें डाटा लेबल्स को भी ऐड कर दें तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद हम डाटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो डाटा लेबल्स हमारे ऐड हो जाएंगे। अब ये हमारे पास जो डाटा लेबल्स हैं ये नंबर्स जो हैं, एक लेंथी डिजिट वाला नंबर है। इस लेंथी डिजिट्स वाले नंबर्स को हम मिलियंस में और बिलियंस में भी कन्वर्ट करके इन नंबर्स को फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मेट डाटा लेबल्स वाला जो राइट साइड पे एक ऑप्शन या एक पेज या फॉर्मेट या डायलॉग जो शो हो रहा है इस पे हम ये लास्ट जो है लेबल ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स पे क्लिक करने के बाद यहां पे हमारे पास कैटेगरी आ रही है। अब हम इस कैटेगरी को जनरल से अगर हम कस्टम पे क्लिक करें और कस्टम पे चेंज करने के बाद यहां पे हम यहां पे इसको फॉर्मेट कोड दे देते हैं। फॉर्मेट कोड क्या देना है और किस तरीके से देना है, स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटर देन 9,99,999 से अगर हमारा डिजिट जो है वो बड़ा होगा, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 9,99,999 ब्रैकेट क्लोज हैशटैग डबल कॉमा
डबल कोटेशन मार्क्स, अगर हमारा नंबर जो है वो डेटा लेबल में वो 9,99,999 से ग्रेटर देन होगा तो हम कहते हैं कि वो हमारा नंबर जो है एम फॉर मिलियन में शो हो, डबल कोटेशन मार्क सेमीकोलन हैशटैग कॉमा, अगर इसके अलावा कोई कंडीशन हो तो हमारा जीरो मिलियन में वो शो हो। और अब इसको मैं अगर ऐड कर देता हूं तो यू कैन सी दैट हमारा जो डिजिट था डेटा लेबल का वो लेंथी डिजिट्स की बजाय मिलियन में कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से हम डेटा लेबल्स के फॉर्मेट को एडिट कर सकते हैं। अब अगर इसमें मैं एक्सिस टाइटल ऐड करूं तो मेरे पास ये वाई एक्सिस में जो है हमारे पास ये प्रॉफिट है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास ईयर है। ये हमारा लाइन चार्ट क्रिएट हो गया है टोटल प्रॉफिट बाय ईयर का। हम इस शीट को रीनेम कर देते हैं और रीनेम करके यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट बाय ईयर। अब हम प्रॉफिट बाय कंट्रीज चेक करेंगे तो उसके लिए हमें पिवट टेबल क्रिएट करना होगा। हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद ये जो रिक्वायर्ड उसकी जो टेबल रेंज और न्यू वर्कशीट एड्रेस है उस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। इसमें अब हम देखना चाहते हैं कंट्रीज के अगेंस्ट जो प्रॉफिट है उसके लिए मैं कंट्रीज को रोज में और जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट इसको मैं वैल्यूज में प्लेस कर देता हूं। तो मेरे पास इसको मैं जूम इन करता हूं, मेरे पास यहाँ पे रो लेबल्स में कंट्रीज आ रही हैं और सम ऑफ टोटल प्रॉफिट जो है वो वैल्यूज में आ रहा है। अब मैं इसको अगर रो लेबल्स की बजाय यहाँ पे इसको नेम दे दूं कंट्रीज का, और यहां पे अब मैं एंड पे अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। फील्ड मैप क्रिएट करने से पहले हम इसका ग्रैंड टोटल जो है इसको रिमूव करते हैं। ग्रैंड टोटल को डिलीट करने के लिए डिजाइन टूल बार मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सब टोटल और ग्रैंड टोटल आ रहा है। ग्रैंड टोटल पे क्लिक करेंगे तो ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। लेट मी चेक वंस, अब यहां पे देखो तो हमारे पास ये जो ग्रैंड टोटल वाला जो रो और कॉलम में जो डिजिट्स थे या उनसे रिलेटेड जो डाटा था वो डिलीट हो गया है। फील्ड मैप को क्रिएट करने के लिए सारे डाटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करने के बाद इस डाटा सेट को यहां पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इस डाटा सेट को यूज करते हुए हम यहां पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और चार्ट्स वाले टूल बार ग्रुप में मैप्स पे क्लिक करने के बाद यहां पे हमारे पास फील्ड मैप का ऑप्शन शो होता है। फील्ड मैप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मैप जो है क्रिएट हो जाएगा और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो होगा। इस फील्ड मैप के राइट हैंड साइड पे आपको ये कलर शो हो रहा जो ये बता रहा है कि ये जो लाइट टू डार्क कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें बता रहा है वो कंट्रीज जिनका हायर प्रॉफिट था वो डार्क कलर शो हो रहे हैं और जिनका लो प्रॉफिट था वो लाइट कलर से शो रहे हैं। आप इस डाटा सेट में ये जो सीरीज ऑफ कलर को जो उन्होंने डिफाइन किया है इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसको मैं डेल कर देता हूं, हमारे पास ये मैप शो हो रहा है। इसके हम डिजाइन को चेंज कर सकते हैं और इस फील्ड मैप के कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं इस चार्ट स्टाइल पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद मैं इसका यहां से स्टाइल भी चेंज कर सकता हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। कलर चेंज करने के बाद अगर मैं इसको ये ग्रीन कलर दे देता हूं तो ये ग्रीन कलर शो हो रहा है जो इसमें इसमें जो लाइट कलर है वो लो प्रॉफिट को शो कर रहा है और जो डार्क ग्रीन कलर है वो हमारा हाई प्रॉफिट को शो कर रहा है। बट मुझे ये डाटा सेट जो इसमें फील्ड मैप में मौजूद है इसमें मुझे डाटा सेट जो है वो असाइन करना है जो हमारा एक्चुअल डाटा सेट में डाटा मौजूद है। उसके लिए मैं अगर इस चार्ट पे राइट क्लिक करके ये सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करता हूं, हम यहां से भी डाटा को ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा यहां पे सिलेक्ट डाटा जो है इस चार्ट डिजाइन वाले टूल बार मेन्यू में डाटा के टूल बार ग्रुप में सिलेक्ट डाटा इस पे क्लिक करने से भी मैं इसका डाटा जो है वो चेंज कर सकता हूं। अब डाटा रेंज इसकी मैंने चेंज करनी है
उस डेटा रेंज को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा रेंज दूंगा, ये मेरे पास जो डेटा सेट मेरा मौजूद है उसमें मौजूद तमाम का तमाम डेटा, डेटा सेट की रेंज चेंज करने के बाद ओके पे क्लिक करता हूं, तो ये हमारे पास जो डेटा एक्चुअल डेटा सेट में मौजूद था उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो चार्ट है या जो फील्ड मैप है ये क्रिएट हो गया। अब यहां पे मैं इसको टाइटल को एडिट करता हूं और यहां पे लिख देता हूं प्रॉफिट बाय कंट्रीज, इसी तरीके से इस वर्कशीट को भी रीनेम कर देते हैं प्रॉफिट बाय कंट्रीज। तो ये हमारा प्रॉफिट बाय कंट्री से रिलेटेड फील्ड मैप क्रिएट हो गया। अब हम इस डेटा सेट को यूज करते हुए पिवट टेबल क्रिएट करेंगे और पिवट टेबल जो है वो प्रॉफिट बाय ईयर एंड सेल चैनल का क्रिएट करेंगे और उससे हम लाइन चार्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये न्यू वर्कशीट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ईयर एंड सेल्स चैनल, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ईयर को रोज में प्लेस कर देंगे, टोटल प्रॉफिट जो है वो वैल्यूज में आ जाएगा। और कॉलम्स में अब हम ये देखना चाहते हैं सेल चैनल से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो सेल्स चैनल है उसको हम कॉलम्स में प्लेस कर देंगे। ये हमारे पास जो डेटा सेट मौजूद है अभी हम इसको यूज करते हुए यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पे लाइन चार्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। इस डेटा सेट को यूज करते हुए अब ये लाइन चार्ट जो है क्रिएट कर लिए। ये लाइन चार्ट जो है अगर आप इस लाइन चार्ट को देखें तो इसमें हमारे पास सम ऑफ टोटल प्रॉफिट शो हो रहा है, ऑर्डर ईयर है हमारे पास यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो सेल्स चैनल जो है ऑफलाइन चैनल उसको शो कर रही है और जो ऑरेंज लाइन है वो ऑनलाइन सेल चैनल को शो कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ इसको थोड़ा एडिट करूँ तो मैं इस जो बटन है इनको हाइड कर देता हूँ, फील्ड बटन को, ये लेजेंड जो है इसको डिलीट कर देते हैं हम, और यहाँ पे अगर मैं एक्सेस टाइटल को ऐड कर दूँ और चार्ट टाइटल को ऐड कर दूं और चार्ट टाइटल को एडिट करता हूं यहां पे प्रॉफिट बाय ईयर्स एंड सेल चैनल, एक्स एक्सिस पे है हमारे पास प्रॉफिट, वाई एक्सिस पे है हमारे पास ईयर, और इस तरीके से इस लाइन चार्ट को हमने क्रिएट कर लिया। और अगर मैं यहां पे इस शीट को नेम दे दूं प्रॉफिट बाय ईयर एंड सेल्स चैनल, अब कंप्लीट लिखा नहीं जा रहा, अगर मैं इसको एस सी लिख दूं तो इससे भी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये प्रॉफिट बाय ईयर एंड सेल चैनल है। अब हम इस डेटा सेट को यूज करते हुए प्रॉफिट बाय सेल्स चैनल जो है उसका पाई चार्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करके हम पहले पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, उसके लिए अब हम यहां पे पिवट टेबल के लिए सेल्स चैनल जो है उनको रोज में और प्रॉफिट जो है टोटल प्रॉफिट उसको वैल्यूज में प्लेस करते हैं। तो हमारे पास ये डेटा सेट मौजूद है, इसको यूज करते हुए अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूं और यहां पे पाई चार्ट पे क्लिक करके डोनट वाला जो पाई चार्ट है उस पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास ये पाई चार्ट क्रिएट हो जाएगा। इस पाई चार्ट को थोड़ा एडिट करते हैं, उसको एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लेजेंड्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं, इस फील्ड बटन को हाइड कर देते हैं और यहां पे इसको एडिट कर देते हैं जी, इसका चार्ट टाइटल को प्रॉफिट बाय सेल्स चैनल, इसमें हम ऐड कर देते हैं जी डाटा लेबल्स को, इनको डाटा लेबल्स को हम फॉर्मेट कर लेते हैं मिलियंस में, जो कि कस्टम पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको जो मेथड बताया है स्क्वेयर ब्रैकेट ग्रेटर देन
9,99,999 अगर इससे हमारा बड़ा डिजिट होगा तो हैशटैग डबल कॉमा डबल कोटेशन मार्क मिलियन डबल कोटेशन मार्क सेमी कॉलन हैशटैग कॉमा डबल कोटेशन मार्क जीरो मिलियन डबल कोटेशन मार्क और अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो डेटा लेबल्स हैं वो मिलियंस में जो है चेंज हो गए। हम इस जो एक्सिस लेबल है उनको अलाइन कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉफिट बाय सेल्स चैनल का जो पाई चार्ट है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे अब हम इसको रीनेम कर देते हैं प्रॉफिट बाय सेल्स चैनल। फाइनली अब हम इस डाटा सेट को यूज करते हुए रिपोर्ट क्रिएट करेंगे या कॉम्बो चार्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमें आइटम से रिलेटेड जो टोटल प्रॉफिट है और टोटल रेवेन्यू जो है उसको शो करे। उसके लिए हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे पिवट टेबल। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो न्यू वर्कशीट ओपन हो रही है इसमें हम देखना चाहते हैं आइटम्स के अगेंस्ट टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट का कॉम्बो चार्ट। आइटम टाइप्स को मैं रोज में प्लेस कर देता हूं। उसके बाद टोटल रेवेन्यू जो है उसको वैल्यूज में और टोटल प्रॉफिट को भी हम वैल्यूज में प्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये डेटा सेट जो शो हो रहा है इसको यूज करते हुए अब हम कॉम्बो चार्ट क्रिएट करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करता हूँ। लास्ट पे हमारे पास है कॉम्बो। कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद ये प्रीव्यू हमारे पास शो हो रहा है। इस तरीके से हमारा क्लस्टर्ड कॉलम लाइन चार्ट जो है वो कॉलम और लाइन चार्ट के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये एक चार्ट शो होगा। ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डेटा सेट के अकॉर्डिंग कॉम्बो चार्ट शो हो रहा है। इसमें अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो जो ब्लू कलर की बार्स है वो सम ऑफ टोटल रेवेन्यू को शो कर रही है और जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो हमारी टोटल प्रॉफिट को शो कर रही है और जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये प्रॉफिट है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है एक्सिस के अगेंस्ट वैल्यूज वो हमारी आइटम टाइप को शो कर रही है। अब हम इसको एडिट करते हैं, थोड़ा लेजेंड्स को डिलीट कर देते हैं, ये फील्ड बर्ड्स को हाइड कर देते हैं, ऐड करते हैं अब हम इसमें एक्सेस टाइटल भी और चार्ट टाइटल ऐड करते हैं। चार्ट टाइटल जो है हमारे पास ये आ जाएगा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट बाय आइटम्स टाइप। वाई एक्सिस पे है हमारे पास प्रॉफिट, एक्स एक्सिस पे है हमारे पास आइटम टाइप। ये हमारा कॉम्बो चार्ट है जिसमें टोटल रेवेन्यू है और टोटल प्रॉफिट है बाय डिफरेंट आइटम्स सोल्ड बाय डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। इसको अगर मैं वर्कशीट को नेम दे दूं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बाय आइटम्स। अब अगर मैं इसकी बार्स का कलर चेंज करना चाहूं तो इस पे मैं क्लिक करने के बाद ये चार्ट स्टाइल पे क्लिक करता हूं और कलर्स पे जाके इसका कलर चेंज कर देता हूं ये ग्रीनिश कलर। इस पे ग्रीन कलर पे क्लिक करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो चार्ट है वो क्रिएट हो गया है कॉम्बो चार्ट जो कि हमारे पास रेवेन्यू और प्रॉफिट को शो कर रहा है बाय आइटम्स। अब हमने जो पहले चार्ट्स क्रिएट कर लिए उन चार्ट्स की मदद से हम डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ग्रिड लाइंस को रिमूव करना होगा तो हम व्यू पे क्लिक करने के बाद ग्रिड लाइंस को अनक्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे पास ये जो ग्रिड लाइंस थी वो रिमूव हो चुकी हैं। सबसे पहले अब हम इसका बैकग्राउंड इमेज जो है
उसको इंसर्ट करते हैं। उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम दिस डिवाइस और डाउनलोड की हुई ये पिक्चर को मैं इसको इंसर्ट करता हूं। और इंसर्ट करने के बाद अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को पहले देखूं तो इसको ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा कर लेते हैं और इसको एक्सपेंड कर दूं मैं। अगर यू कैन सी कि ये मेरे पास इमेज जो है थोड़ी एक्सपेंड हो गई है, क्योंकि डैशबोर्ड जो है इसमें हमने डिफरेंट चार्ट्स जो हैं उनको ऐड करना है। ये हमने पिक्चर ऐड कर ली है। अब थोड़ा जूम इन करते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम इसकी हेडिंग दे सकें, क्योंकि ये प्रॉफिट का डैशबोर्ड है, हम इसमें हेडिंग देना चाहते हैं प्रॉफिट डैशबोर्ड की। तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट के टूल बार ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स जो है अगर ड्रा करूँ और इसमें लिख देता हूँ मैं प्रॉफिट डैशबोर्ड। डबल कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं इसके फ्रंट एंड एंड पे और इसको इन द मिडल। अभी इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट शो हो रहा है, उसको अगर मैं इसे चार पे क्लिक करने के बाद ये जो इसका कलर वाला ऑप्शन है, इस कलर्स वाले ऑप्शन में अगर मैं नो फिल पे क्लिक कर दूं तो इसका जो है बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस बॉक्स पे रख के मैं राइट क्लिक करूं और आउटलाइन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे नो आउटलाइन पे क्लिक कर देता हूं तो इसकी आउटलाइन भी जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब इसमें हमने इस डैशबोर्ड में जितने भी हमने जो चार्ट क्रिएट किए हुए हैं उन सभी को यहाँ पे इस डैशबोर्ड की जो वर्कशीट है उस पे पेस्ट कर देते हैं वन बाय वन। इसको कॉपी पेस्ट करने के साथ साथ हम इसको एडिट भी कर रहे हैं ताकि खूबसूरत नजर आए।
अब हम इसमें जो स्लाइसर्स और टाइमर्स भी ऐड कर सकते हैं। स्लाइसर्स और टाइमर्स ऐड करने के लिए यहां पे आप अब आप इस डैशबोर्ड में आप स्लाइसर्स और टाइमर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिल्टर्स वाले टूल बार ग्रुप में स्लाइसर और टाइमर मौजूद हैं। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद हमारे स्लाइसर का पॉपअप पेज जो है वो शो हो जाएगा। इसमें हम रीजन का स्लाइसर ऐड करना चाहेंगे उसको क्लिक कर देंगे। कंट्री, आइटम टाइप से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेटिव नेम जो है, सेल्स चैनल, उसके बाद अगर हम ऑर्डर आईडी का स्लाइसर ऐड करना चाहें तो उसको क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास ये डिफरेंट स्लाइसर्स आ गए हैं। अब हम इन स्लाइसर्स को अरेंज करते हैं। ये हमारे स्लाइसर्स ऐड हो गए। अब हमने इन स्लाइसर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस जो थ्री टिक्स वाला ऑप्शन है जिसको मल्टी सिलेक्ट वाला बोलते हैं, ऑल्ट एस वाला भी प्रेस करके हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद, अब अगर आप देखें इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जस्ट एक ही जो पिवट टेबल का स्लाइसर है वो क्लिक है। इसमें हमने सारे जो स्लाइसर्स हैं उन पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। सेम इस पे राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन, और इसमें भी सारे जो स्लाइसर्स हैं उनको कनेक्ट कर देना है। अब सारे जो स्लाइसर हैं वो कनेक्ट हो गए। अब अगर मैं किसी एक स्लाइसर के किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मुझे उससे रेलिवेंट डाटा जो है वो इस डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। रिमूव करता हूं, अगर मैं किसी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव का देखना चाहूं तो मुझे उस स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव का डाटा शो हो जाएगा। ऑनलाइन चैनल में देखना चाहूं कौन कौन से हैं रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्डर आईडी से और कुछ आइटम टाइप के सेल्स है और कंट्री उससे रिलेटेड मैं देख सकता हूं। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक रीजन में देखना चाहूं तो मैं इन स्लाइसर्स पे क्लिक करके चेक कर सकता हूं। इसके अलावा अब हम टाइमर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जब टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे
टाइमलाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास चूंकि टाइमलाइन जो होती है वो डेट से रेलिवेंट होती है, तो उसके लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन आएंगे इस डेटा सेट के रिलेटेड, क्योंकि इसमें या तो ऑर्डर डेट है या शिप डेट है। अब अगर मैं देखना चाहूं ऑर्डर डेट के हवाले से, तो ऑर्डर डेट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक टाइमलाइन वाला ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। अच्छा जी, अब यहां पे मंथ्स में है, अगर मैं क्वार्टर्स में देखना चाहूं तो ये मेरे पास ये सारे क्वार्टर्स का डाटा शो हो जाएगा। इस पे राइट क्लिक करके अगर मैं मंथ्स का देखना चाहूं तो मंथ्स का आ जाएगा, ये 2010 से ऑनवर्ड 2017 तक है। इसके अलावा अगर मैं डेज का देखना चाहूं तो मेरे पास ये तमाम डेज के अकॉर्डिंग डाटा आ जाएगा। अगर मैं ईयर्स का देखना चाहूं तो मेरे पास ये ईयर्स का डाटा शो हो जाएगा। इसको अगर मैं क्वार्टर्स पे ही रहने दूं तो मेरे पास ये डाटा सेट जो है वो शो हो रहा है। अब ये जो हमारे पास डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है, इसका अब हम थीम भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। टूल बार मेन्यू पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद थीम्स वाले ऑप्शन में अगर मैं थीम पे क्लिक करूं तो रिसेंटली अभी हम ऑफिस वाला थीम यूज कर रहे हैं। अगर मैं थीम चेंज करूं तो आप देख सकते हैं कि थीम चेंज करते ही मेरा जो डैशबोर्ड है वो थीम चेंज करते ही आप देख सकते हैं डैशबोर्ड जो है वो उसका जो कलर स्कीम है वो चेंज हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं और चेंज करूं इसका थीम, तो उस थीम के अकॉर्डिंग जैसे हम थीम चेंज करेंगे तो उस थीम के अकॉर्डिंग हमारा जो ये डैशबोर्ड है उसमें कलर स्कीम जो है वो चेंज हो जाएगी। ये वो मेथड है जिसके जरिए से हमने परफेक्ट डैशबोर्ड क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेल्स आइटम। उनकी पहले हमने पिवट टेबल्स क्रिएट किए, पिवट टेबल से हमने पिवट चार्ट क्रिएट किया, फिर हमने उनको कंबाइन करके प्रॉफिट डैशबोर्ड क्रिएट किया है।